मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें बाढ़ के हालात की जानकारी दे रहे हैं। लगातार बता दें कि मध्य प्रदेश में बाढ़ से कोहराम मचा है, बारिश से कोहराम मचा है। हर हर नर्मदे की जगह एक नारा बन गया है, घर घर नर्मदे। पहले जो बारिश मध्य प्रदेश में सामान्य से काफी नीचे थी, लेकिन अब सामान्य से 51% सीहोर जिले में अधिक हो गई, रायसेन में 38% हो गई, 24 घंटे में अकेले होशंगाबाद में 34 सेंटीमीटर वर्षा हुई। और इसके कारण एक तरफ छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में पैंच नदी और बाकी नदियों में, क्योंकि बांध सारे फुल थे, बांधों का पानी छोड़ा गया, बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। वहीं तीसरी तरफ नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई। इस पूरे क्षेत्र में अनेकों शहर और गांव में पानी घुस गया, कई गांव जलमग्न हो गए और कई जगह लोग अपने गांव में घिर गए। एक साथ बरगी, तबाब, बारना, इन सब से पानी भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि डैम्स ओवरफ्लो हो रहे थे और उसके कारण होशंगाबाद में पानी 982-83 फीट, खतरे के निशान 964 है, को क्रॉस कर गया। और नर्मदा जी के दोनों तरफ, विशेषकर होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिलों में इस पानी ने तबाही मचाई। कई शहर और गांव, सहायक नदियां का पानी क्योंकि रुक गया, नर्मदा जी में पानी काफी आ जाने के कारण बारना का पानी बरेली में घुस गया, होशंगाबाद के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए, साहेगंज में पानी घुसा और फिर दोनों तरफ के अनेकों गांवों में पानी ने तबाही मचाई। कल परसों रात से ही हमने राहत और बचाव के काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किए। आज की स्थिति में भी बरगी, तबा, बारना, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, इनके सारे गेट खुले हुए, तबा के अब हमने बंद किए क्योंकि कैचमेंट एरिया में पानी कम किया है, अब बारिश में कमी आई है। भारी बरसात के कारण पिछले दो दिनों में, क्योंकि परसों रात से हमने काम प्रारंभ किया, कल दिन भर चला और रात भर भी हमारे सारे कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एसडीएम्स, तहसीलदार, पुलिस के हमारे आईजी हो, एसपी हो, एसओ, टीआई स्तर तक के लोग हो, हमने एनडीआरएफ की टीमें मंगवाई, एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीमों को सक्रिय किया। कल ही हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ेगी, और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले दो दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों से 7,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला, 170 राहत शिविर प्रारंभ किए हैं जिनमें लगभग 9,300 लोग अभी रह रहे हैं,
40 गांवों से लगभग 1200 लोगों को अभी और निकाला जाना है और उसमें भी हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। रात भर मैं भी कंट्रोल रूम में बैठा रहा, यहीं पे कंट्रोल रूम हमने बनाया और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी टीम लगातार काम करती रही। कल ही हमने छिंदवाड़ा जिले में भारतीय वायुसेना की सहायता से सवेरे 1 और शाम को फिर 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट किया था। बालाघाट में आज सवेरे सवेरे 3 लोगों को, बालाघाट के खैरलांजी के पास एक गांव था, वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया है।